Hello everyone. Today we are going to discuss about blood relation. It is one of the very important and easiest topic in logical reasoning. आज हम logical reasoning के एक बहुत easy और एक बहुत important topic जिसे हम blood relation के नाम से जानते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और उससे related कुछ questions solve करेंगे. लेकिन questions solve करने से पहले मैं आपको कुछ tricks बताती हूँ, कुछ important बातें बताना ज़रूरी समझती हूँ इसके questions को solve करने से पहले. जैसे कि आप जब भी blood relation से related questions अगर solve करोगे आप, चाहे वो आपके किसी भी competitive exam में हो या फिर आपके किसी भी company specific entrance exam में हो, तो आप हमेशा खुद को अज्यूम करके, जो भी कैरेक्टर रहेगा उस कैरेक्टर पे खुद को रख के अगर आप उसके क्वेश्चंस को बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा आसानी से बनेंगे. ओके, एंड अनदर थिंग इज कि अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ सिंबल्स बताने वाली हूँ, जिस सिंबल के हेल्प से आप किसी भी क्वेश्चन को जो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है उसे आप जल्दी बना पाएंगे. ओके, सबसे पहले जो ध्यान रखने की बात है वो है जेंडर. जब तक हमें किसी भी क्वेश्चन में किसी भी कैरेक्टर का या किसी भी इंडिविजुअल का नाम अगर दिया है और उनके जेंडर के बारे में नहीं बताया गया है, तो हम उसे कभी भी खुद से अज्यूम नहीं करेंगे कि उनका क्या जेंडर है. ओके, और दूसरी बात ये जो होता है, मेल के लिए हम प्लस साइन यूज करेंगे और फीमेल के लिए हम नेगेटिव यानी कि माइनस साइन यूज करेंगे. ओके, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है. जैसे कि आपको कुछ रिलेशंस होंगे, जैसे फादर हो गया, ग्रैंडफादर हो गए, फिर ग्रेट ग्रैंडफादर हो गए, ऐसे ढेर सारे रिलेशनशिप्स होंगे जो आपको समझना होगा, नीस होगा, नेफ्यू होगा. तो अब जैसे कि क्या होता है हमारे हिंदी में, बेसिकली हमारे हिंदी लैंग्वेज में क्या होता है कि हम दादा नाना, ओके, दादाजी नाना जी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम दादाजी या नाना जी नहीं बोलते हैं. ओके, इंग्लिश में हम ग्रैंडफादर ही बोलते हैं, लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम पैटर्नल और मैटर्नल कीवर्ड्स का यूज करते हैं. ओके, पैटर्नल एंड मैटर्नल. जो भी पापा के साइड से जो भी अंकल हुए, यानी कि हमारे चाचा, पापा के भाई, वो भी हमारे अंकल होते हैं और मम्मी के भाई भी हमारे अंकल ही होते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में हम उनको मामा बोलते हैं और इनको चाचा बोलते हैं, राइट? तो उसी तरीके से अगर स्पेसिफिकली बताना है कि ये पापा के भाई है तो हम पैटर्नल अंकल बोलेंगे, और अगर ये बताना है कि ये मम्मी के भाई है तो हम मैटरनल अंकल बोलेंगे. उसी तरीके से पैटरनल आंट यानी कि चाची जी या बुआ, या फिर आप मैटरनल आंट बोल सकते हैं मामी जी या मौसी जी. ओके, तो इस तरीके से पैटरनल एंड मैटरनल होता है. पैटरनल ग्रैंडफादर भी हो गए यानी कि आपके दादाजी हो गए, और मैटरनल ग्रैंडफादर आपके नानाजी हो गए. ओके, और फिर आता है जनरेशन, जनरेशन कैलकुलेशन. ग्रेट ग्रैंडफादर, ओके, देन ग्रैंडफादर, फादर एंड यू, आप हो गए, आपके पिताजी या आपके पापा या आपके दादाजी, आपके ग्रैंडफादर एंड ही योर ग्रेट ग्रैंडफादर पर दादाजी. ओके, तो ये जो जनरेशन होता है आपके पापा, आपसे और आपके पापा के जनरेशन के बीच में एक जनरेशन का डिफरेंस है, और आपके पापा और आपके दादाजी के जनरेशन के बीच में कितना जनरेशन का गैप है, एक का. और आपके दादाजी और आपके पर दादाजी के जनरेशन के बीच का गैप एक है. तो इस तरह के जनरेशन गैप को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अब बताना है आपको कि आपके और आपके ग्रेट ग्रैंडफादर उनके बीच के जनरेशन गैप को आपको बताना है. सो ऑब्वियसली इट्स 1, 1, 2,
यू आर द थर्ड जनरेशन, आप थर्ड जनरेशन हो अपने ग्रेट ग्रैंड फादर के, ओके। अब आपके जो पापा हुए वो सेकेंड जनरेशन हुए, ओके। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और कुछ सिंबल्स होते हैं, और एक चीज, एक टर्म आता है नीस एंड नेफ्यू, जो बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज करते हैं। बेसिकली नीस होता है भांजी के लिए या भतीजी के लिए, और नेफ्यू जो होता है वो भतीजा या भांजा, माइनस एंड प्लस, ओके। तो ये टर्म्स हो गए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कुछ सिंबल्स को, जिसे हम जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो हमारे लिए वो इजी होगा। सपोज नाउ सी, राम इज द फादर ऑफ मोनू, ठीक है। राम किसके फादर है? मोनू के। तो हियर राम एंड हियर मोनू, तो हम ऐसा एरो देते हैं, ओके, डाउनवर्ड्स। एक जनरेशन नीचे के लिए हम क्या देते हैं? एरो ये वाला, ओके, डाउनवर्ड्स। अब हमसे एक जनरेशन ऊपर देना है। सपोज मोनूस फादर इज राम, अब क्या होगा? मोनू, और हम ऊपर में अपवर्ड्स करेंगे, मोनू के पिताजी कौन है? राम। सो अपवर्ड्स, टुवर्ड्स, अपवर्ड्स की तरफ हम एरो बनाएंगे, ओके। और जब फादर नीचे जनरेशन जाएगा तो डाउनवर्ड्स हो गया। और अपने जो जनरेशन के लोग होते हैं उनके लिए, जैसे कि सीता इज द सिस्टर ऑफ मोनू। अब देखिए यहाँ पे हमें जनरली हम मोनू नाम जो जानते हैं वो मेल का होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है स्पेसिफिकली कि मोनू क्या है, लड़का है या लड़की है, लड़की भी हो सकती है मोनू, ओके। तो सीता का लेकिन हमें पता है, सीता इज द सिस्टर ऑफ मोनू, तो यहाँ पे सीता को हम क्या लेंगे? माइनस। और यहाँ पे राम इज द फादर, तो राम तो प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि वो मेल है। यहाँ पे सीता इज द सिस्टर, तो सिस्टर यानी कि एक जनरेशन में है, तो वो किसकी है? मोनू की सिस्टर है, ओके। अब वही अगर लिख दिया जाए उस क्वेश्चन में, मोनू इज द फादर ऑफ, मोनू इज द फादर ऑफ सोन, तो अब तो हमें मोनू का भी जेंडर पता चल गया कि मोनू अगर फादर है तो मोनू मेल है, तो फादर है तो उसके लिए डाउनवर्ड्स, किसके पिता है? सोनू के, ठीक है। ये हो गया एरो। ये एरो हम यूज करते हैं अपने जनरेशन के लोगों के लिए, डाउनवर्ड्स हम यूज करते हैं अपने से एक जनरेशन नीचे के लिए, अपवर्ड्स हमसे एक जनरेशन ऊपर के लिए, और एक एरो है जो है ये, ओके। ये जनरेशन हम स्पाउस के लिए यूज करते हैं, हस्बैंड या वाइफ के लिए, ओके। सी गीता इज द वाइफ ऑफ मोनू, गीता कौन है? मोनू की वाइफ, तो ऑब्वियसली वाइफ है तो फीमेल है, और ये मोनू का तो हमें पता चल ही गया था ये मेल है, तो ऐसा साइन यूज करेंगे। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तब इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो जस्ट कीप इन योर माइंड, एंड आप अपना सिंबल खुद से भी बना सकते हो।
So it's all about that's all about symbols and all. And now we'll move towards the question part. अब हम लोग question की तरफ मुड़ेंगे और अपने questions को solve करेंगे. Okay? तो हमने अभी तक जो पढ़ा ये उसका summary है. चलिए आइए एक बार इसको देख लेते हैं. Okay? So ये जो arrow है ये होता है same generation के लिए, for same generation like brother, sister and cousin. Okay? ये जो होता है towards downward जो एरो होता है वो होता है हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, जैसे कि सन, डॉटर, नीस एंड नेफ्यू. ओके? और ये होता है जो अपवर्ड्स होता है टुवर्ड्स अप जो होता है वो होता है प्रीवियस जनरेशन, हमसे पहले वाली जनरेशन के बारे में, जैसे कि फादर, मदर, अंकल, आंट. ओके? एंड ये वाला जो होता है वो होता है स्पाउस के लिए, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए. ओके? तो ये था हमारा अभी तक का जो हमने सिंबल्स बनाए थे उसका समरी. एंड इसके अलावा जो था वो था प्लस का एंड माइनस का. प्लस वाज फॉर मेल एंड माइनस वाज फॉर वन इज फॉर फीमेल. ये था प्लस के लिए मेल एंड माइनस के लिए फीमेल था. ओके? सो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड. सो लेट्स सॉल्व इट. Now, this is the first question from blood relation. Let's solve it. So the question is, D is the brother of B. D जो है B का भाई है. Okay? तो यहाँ पे हमें D के बारे में पता है, B के बारे में नहीं पता है जनरल. तो D is the brother of B. तो D अगर भाई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कौन सा जनरल? Male. यानी कि plus sign. D is the brother of B. M is the brother of B. M is also the brother of B. तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि अभी तक हमें B का जेंडर नहीं पता है और हम खुद से अज्यूम नहीं करेंगे कि B का क्या जेंडर है. ओके? लेट्स सी. K is the father of M. ओके? K is the father of M. Okay? अब देखो आप, अगर D B का भाई है और M भी B का भाई है, तो इसका मतलब M D का भी भाई है और D भी M का भी भाई है. ये तीनों आपस में related है. तो ये general सी बात है कि जो K के dad है या K के father है वो इन इसके भी फादर होंगे और इसके भी फादर होंगे. राइट? सो लेट्स सी अब आगे क्या लिखा है. टी इज द वाइफ ऑफ के. टी इज द वाइफ ऑफ के. वाइफ के लिए हम ये एरो बनाते हैं. टी एंड अगेन माइनस सिंबल. हाउ इज बी रिलेटेड टू टी. अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बी टी से कैसे रिलेटेड है. टी बी से कैसे रिलेटेड है? नहीं. अगर टी बी से होता तब टी इज द मदर ऑफ बी. लेकिन यहाँ पे पूछा गया हाउ इज बी रिलेटेड टू टी. तो बी का क्या रिलेशन है टी से? तो अब बी या तो सन है या तो डॉटर है टी के. आइदर सन और डॉटर ऑफ टी. ये होगा इसका आंसर. ओके? सो नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ब्लड रिलेशन. नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ब्लड रिलेशन. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. बी इज द सिस्टर ऑफ डी. बी इज द सिस्टर ऑफ डी. देन बी इज द सिस्टर. देन द साइन विल बी नेगेटिव. Is the sister of D. Okay? And we don't know, till now we don't know the gender of D. Okay? M is the father of D. If M is the father of D, then M is also the father of B. N is the sister of M. N is the sister of M. Okay? How is B related to D? And now we have to tell what
the relation between B and N. How is B related to T? So B is the niece of N, because N is the aunt of B and N is the sister, because as per the question we know that N is the sister of N and sister of our father is our aunt. Okay, so B is the niece of N. Okay, this is how we will solve this type of question. मैंने आपको पहले भी बोला था कि हर एक question में आप खुद को assume करके बनाएंगे. जैसे कि suppose ये आप हो या ये आप हो, okay, D आप हो और ये आपकी बहन है, ठीक है? ये आपके पिता हैं और आपके पिता के की बहन, आपकी क्या लगेगी? Obviously आपकी बुआ लगेगी. तो आपकी बहन की वो क्या लगेंगे? जाहिर सी बात है वो आपकी आपकी बहन की वो बुआ लगेंगी और आपकी बहन उनकी आपकी बुआ की क्या लगेंगी? भतीजी लगेंगी. सो यही हमने यहाँ पे भी किया है. ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम ब्लड रिलेशंस. सो लेट्स सी. पी बाय क्यू मींस पी इज द फादर ऑफ क्यू. P plus Q means P is the mother of Q. P minus Q means P is the brother of Q. P asterisk Q means P is the sister of Q. And then you have to find if A plus B by C minus D, then A is D's what? तो यहाँ पे जो आपका you can see different signs आपको यहाँ पे दिए हैं. तो इस sign जो है वो आपका आपको बता रहा है कि ये जो साइन है आपके रिलेशनशिप के बारे में, ये सिंबल आपको इंडिकेट कर रहा है. ओके, सो बाई का मतलब फादर है, प्लस का मतलब मदर है, माइनस का मतलब ब्रदर है एंड एस्ट्रिस्क का मतलब सिस्टर है. ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम जैसे अभी ग्राफ बनाए थे, डायग्राम बना के भी सॉल्व कर सकते हैं या तो जनरेशन गैप भी काउंट कर सकते हैं. अभी हमें पता कर रहे हैं कि ए इज डीज व्हाट. तो अगर हम ग्राफ जैसे हम लोग डायग्राम बनाते हैं वैसे अगर हम लोग करेंगे तो ये होगा ए प्लस बी. तो ए प्लस बी इज लाइक हियर, ए इज द मदर ऑफ बी. ओके, एंड बी बाई C is father, B is the father of C and C minus D is C is the brother of D. Okay, अब हमें बताने A का D से क्या relation है. Then A is D's obviously its grandmother. Okay, ये हमें दिख रहा है. या तो फिर हम इसे ऐसे बना सकते हैं, ये क्या है ए प्लस बी. ए प्लस बी का मतलब मदर, यानी कि एक जेनरेशन. ओके, ये बी बाय सी का मतलब क्या है? फादर. पी बी इज द फादर ऑफ सी, अगेन दूसरा जेनरेशन. तो वन जेनरेशन का इन दोनों के बीच में है डिफरेंस, इन दोनों के बीच में एक जेनरेशन का. सी माइनस डी यानी कि सी इज द ब्रदर ऑफ डी. तो इन दोनों के बीच में कितने जनरेशन का है? दोनों सेम जनरेशन के हैं. तो हम इसे जीरो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? तो अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? वन प्लस वन टू, दो जनरेशन का गैप है इन दोनों के बीच में. तो हमसे पहले वाले जनरेशन हमारे फादर का हुआ, उससे पहले वाले जनरेशन हमारे दादाजी या दादी होते हैं या नाना जी या नानी. तो अगर ये ऑब्वियसली ग्रैंड मदर है क्योंकि हमने शुरू में ही देखा था कि ये यहाँ पे लिखा था प्लस. प्लस का मतलब ए इज द मदर ऑफ बी. तो इससे हमें ये पता चलता है कि शी इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी. ओके, सो दिस इज हाउ विद द हेल्प ऑफ जनरेशन कैलकुलेशन के हेल्प से भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको इसको ट्रिकी बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे P by Q के जगह इसे
q by p कर देते हैं, ऐसे ही बीच में p by q, p plus q, p minus q रहेगा और बीच में q by p हो जाएगा, तब आपको वहाँ पे समझना पड़ेगा कि अगर q by p means q is the father of p, यहाँ पे जैसे p is the father of q है, तो आपको ये समझना होगा अभी उल्टा हो जाएगा, ये keywords जो है ये alphabets change हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा फिर q और फिर यहाँ पे हो जाएगा p, तो फिर आपको समझना होगा, ऐसा नहीं कि आप फिर से इसको p by q ही समझ के बना देना, नहीं तो ये question गलत हो जाएगा फिर, तो इसको मैं फिर से यहाँ पे पहले लिख देती हूँ, नहीं तो next question solve करने problem होगा. Okay, so let's solve another question, दूसरा वाला. If a into b, a into b is what is the relation over here? यहाँ पे sister, sister है, ये minus एक generation calculation. B by c, b is the father of, sorry, here is a asterisk. तो यहाँ पे zero होगा, sister, same generation है ये लोग. Okay, तो generation gap will be zero. ठीक है, अब दूसरा है यहाँ पे एक जनरेशन, बी इज द फादर ऑफ, बी इज द फादर ऑफ सी. ओके, सी माइनस डी, अगेन सी माइनस डी, माइनस जो है वो ब्रदर के लिए, तो यहाँ पे जीरो. तो एक जनरेशन, अब हमें हमें बताना है किसका, सॉरी, अब एक और है हमारे डी प्लस ई, प्लस का होता है डी इज द मदर ऑफ ई, मदर है यहाँ पे एक जनरेशन और. ठीक है, तो कितना हुआ, दो जनरेशन. ओके, अब हमें रिलेशन बताना है ए का ई से, ए जो है वो फीमेल है और ये जो है ई, उनका हमें जेंडर अभी तक नहीं पता चला है, तो हमें बताना है वैसे ए क्या है ई की. ठीक है, तो ए जो है वो ग्रैंड मदर हो सकती है या ग्रैंड आंट हो सकती है. ठीक है, अब हमें ये पता करना होगा ग्रैंड आंट और ग्रैंड मदर में क्या डिफरेंस है. बेसिकली ग्रैंड मदर जो होता है हम दादी को बोलते हैं या नानी को बोलते हैं, लेकिन अगर हमारे दादाजी है या दादी है, उनकी अगर कोई बहन हो या उनके कोई भाई हुए, तो उसे ग्रैंड आंट बोलते हैं, ग्रैंड अंकल बोलते हैं. सो लेट्स सी, अब हम एक बार फिर से डायग्राम बना के भी इसको मैं बताती हूँ कि कैसे होगा. डायग्राम से ज्यादा इजी होगा. तो ए इंटू बी, ए एस्ट्रस्क बी, यानी कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, एंड देन बी बाई सी, बी इज द फादर ऑफ सी, एंड देन C minus D, C is the brother of, C is the brother of D, and D plus E, D plus E means D is the mother of E. तो यहाँ पे सबका gender, यहाँ पे सबका gender हमें पता चल गया, सिर्फ E का नहीं पता चला है, तो जाहिर सी बात है अब हमें इन दोनों का पता करना है. तो ये जो है Obviously, इनकी बेटी, ये इनकी बेटी है, अगर ये इनका भाई है तो ये इनकी भी बेटी हुई. ओके, ये अगर सी डी का भाई है, ओके, तो जाहिर से बात है, और सी के पिता अगर बी है तो डी के भी पिता बी होंगे, और ये बी की बहन है. ओके, तो ये ग्रैंड आंट होंगी यहाँ पे, यहाँ पे ग्रैंड मदर नहीं होगा. ओके, तो यहाँ पे होगा ग्रैंड आंट. ओके, सो दिस इज हाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व, सच सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस क्वेश्चन. तो ये था हमारा ब्लड रिलेशन. अब इसमें हम देखते हैं और एक डिफरेंट टाइप ऑफ, एक अलग सा क्वेश्चन आता है जिसे हम कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन कहते हैं ब्लड रिलेशन में. तो आइए अब हम उसको सॉल्व करते हैं. Now this is the last sort of question from blood relations.
बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन को हम खुद पे अज्यूम करके, हालांकि जितने भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हैं हम खुद पे रख के, खुद को रख के उस जगह पे, उस कैरेक्टर पे रख के बनाते हैं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में ज़्यादातर ध्यान रखें कि आप खुद को उस जगह पे रख के, उस कैरेक्टर की जगह पे रख के अज्यूम करके बनाएं, ये बहुत जल्दी बनता है। और इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा पीछे से बनाएं, पीछे से रिलेशनशिप ढूंढें, आगे से ढूंढने के बजाय। ओके, सो लेट्स सॉल्व इट। देखते हैं। माई ग्रैंड फादर सन, माई ग्रैंड फादर सन, सबसे पहला मेरे दादाजी के बेटे, या तो मेरे फादर हो सकते हैं, या तो मेरे अंकल हो सकते हैं। ओके, या तो मेरे नाना जी के भी ये बेटे हो सकते हैं, राइट? यानी कि अगेन इट विल बी अंकल, इतना स्पेसिफिक यहाँ पे है नहीं। तो माई ग्रैंड फादर सन को मैं फादर मानूंगी या अंकल मानूंगी? अंकल में दोनों आ जाएंगे, मेरे मैटरनल एंड पैटरनल अंकल दोनों आ जाएंगे। ओके, तो ये तो यहाँ तक हो गया। तो अब हम ये जो आया है हमारा रिलेशन यहाँ पे, इसको अब हम यहाँ लिखेंगे, फादर और अंकल। अब हम इतना करने के बाद नेक्स्ट वाले रिलेशन को देखेंगे। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ, ओनली डॉटर ऑफ, अब क्या है, ओनली डॉटर ऑफ माई फादर और अंकल। आप एक लौती बेटी, आपके पिताजी की या फिर आपके अंकल की, वो कौन हो सकती है? या तो आपकी सिस्टर हो सकती है, या तो वो कजिन हो सकती है। पॉइंटिंग अ गर्ल, श्याम सेड, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर सन, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू अरुण? अब आपको बताना है कि आप, सॉरी, यहाँ पे या तो यहाँ पे अरुण होगा या तो यहाँ पे श्याम होगा। ओके, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू श्याम, आपको ये बताना है। तो ऑब्वियसली या तो वो सिस्टर है या तो वो कजिन है श्याम की। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को खुद पे रख के अज्यूम करें और उल्टा पीछे से बनाएं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।